नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेजेंटेशन लाइफ लर्निंग पर। दोस्तों, आपका एक बहुत बड़ा डाउट है, आपका एक सवाल है कि सर क्या हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे, क्या हमारे 60% आते तो एडमिशन मिलेगी, सर किस बेसिस पे हमें एडमिशन मिलेगा, क्या गारंटी है कि कॉलेज में एडमिशन देगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट के दोस्तों ये डाउट है कि सर मैंने 50 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, मैंने 50% अटैम्प्ट किया है, मैंने 50 नंबर तक ही अटैम्प्ट किया, क्या मैं पास हो जाऊँगा, क्या हमें मतलब ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी डाउट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो गाइस, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कंप्लीट वॉच करना। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कॉलेज एडमिशन को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो देखो, जितने भी एडमिशन होने थे टॉप लेवल पर, ठीक है, मतलब मैक्सिमम रैंक पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी है कि इनकी एडमिशन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी है कि जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉलेज एडमिशन के लिए आप सभी कंपार्टमेंट स्टूडेंट हैं, उनके रिजल्ट आने के बाद आपके एडमिशन के लिए, तो कुछ कॉलेज में, कुछ सिटी में दोस्तों एडमिशन बचे हैं, ठीक है, आपके लिए सीट वहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको भी यहाँ पर आपका डाउट है कि हमें 60% पर एडमिशन मिलेगा, और एक स्टूडेंट का डाउट है कि सर क्या गारंटी है कि किस बेसिस पर हमें एडमिशन मिलेगा। आप दोस्तों, पहले तो कुछ सिटी में, कुछ कॉलेज में एडमिशन दोस्तों बचे होंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए सीट। अब पहले क्या था कि वहाँ पे पहले मेरिट लगनी थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम थे, लेकिन अब कुछ कुछ कॉलेज में ना डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता करना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर गारंटी क्या है, क्या गारंटी कि हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो भाई देखो, गारंटी क्या बात बताऊँ, मैं अपने खुद से तो खबर बता नहीं रहा। यहाँ पर कोर्ट ने तो कहा ही है कि CBSE को और यहाँ पर UGC को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा था, जिसमें CBSE ने हमारे UGC से पूछा था एडमिशन को लेकर, और UGC ने क्या कहा था कि आपके एडमिशन कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट 10 तारीख के आने के बाद, आपके जो कॉलेज एडमिशन है वो 31 अक्टूबर तक होंगे। तो दोस्तों, ये बात, ये खबर है, आप जानते हो, ये हम खुद बना के थोड़े ना बता रहे हैं, ये तो रियलिटी है जो खबर अभी निकल कर आई है। तो आपको एक्टिव होना है, आपको सर्च करना है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, और हर एक कॉलेज का ना दोस्तों एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, एक अलग अलग प्रोसेस होता है कि वो कितने मार्क्स पर, कितने कट ऑफ लिस्ट पर वो अपने एडमिशन देगा। तो हर कॉलेज के दोस्तों अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि वो मेरिट लेगा, या मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम लेगा, या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेगा। तो वहाँ पर आपको जाके पता करना पड़ेगा, और आप दोस्तों एक्टिव हो जाओ, ठीक है, थोड़ा पता करते रहो, कॉल भी करते रहो। और अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा है वगैरह, तो आप सीधा बात करो, आप बोलो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हमारे कॉलेज एडमिशन को लेकर, तो आप सीधा जाके वहाँ पर पता करो, या फ़ोन से पता करो, अभी से एक्टिव हो जाओ, मतलब कि पता करते रहो कि कौन से कॉलेज में कितनी कट ऑफ है, क्या 70% यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, क्या 80% मिलेगा, क्या 76 या 65, ये सब चीज़ें आप लोग पता करते रहो। और यहाँ पर खबर तो दोस्तों ये पक्की है कि 31 अक्टूबर तक आपके कॉलेज एडमिशन को लेकर कहा गया है UGC ने। तो आपको दोस्तों वहाँ पर पता करना होगा, ठीक है, आप अभी तक पता करते रहिए अभी से। अब दोस्तों, अभी भी कुछ स्टूडेंट का डाउट है क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा, हिडन पॉलिसी क्या है, कैसे हिडन पॉलिसी अपनाती है CBSE। तो गाइस देखो, ये सच बताना चाहता हूँ आप लोगों से, सच कहना चाहता हूँ कि ग्रेस मार्क्स के वगैरह में अभी आप बिल्कुल मत सोचो। आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि हाँ मैंने इतना पेपर अटैम्प्ट किया है, और फेल होने का तो आपको डर होना ही नहीं चाहिए। फेल दोस्तों कौन होगा, फेल वो होगा जो डल स्टूडेंट होगा, जो कम से कम 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है और खाली बैठ गया, उसके बाद उसने पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया। जैसा कि हर कोई कहता है, टीचर कहते हैं कि अगर आपको नहीं आता है तो उसी से रिलेटिव भी लिखो, उसी से रिलेट करने वाला क्वेश्चन लिखो, मतलब कि पेपर अटैम्प्ट करके आओ, कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आपने पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो आपको किस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे, और ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है कि आपको 1 या 2 मार्क्स की जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर हिडन पॉलिसी के तहत, अब CBSE का पता है, अब CBSE कैसी है वो तो अपने हिसाब से चलती है, तो जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती, आपको 15-20 नंबर की मार्क्स चाहिए, तो नहीं मिलते हैं ऐसे में ग्रेस मार्क्स। तो आपको डरना नहीं है, आपने अगर 50% का, 60% का भी अटैम्प्ट किया है, तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, आप अच्छे से पास हो जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लो इस बात की। अगर आपने लिख कर आए हो, आपने मेहनत की है, और आपने, आपके पास जज्बे के साथ आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से किया, मैं फेल नहीं हो सकता हूँ, तो आपको यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, आप पास हो जाओगे। अब आखिरी में बस एक इन्फॉर्मेशन है कि मेरा एक सेकंड चैनल है, प्लीज़ वहाँ पर एक बार विजिट करें। अगर आपको मेरी वीडियो वहाँ पर पसंद आती है, आपको लग रहा है कि वहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, मेरे को वैल्यूएबल चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है तभी, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, प्लीज़ एक बार विजिट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।